आप सभी को हमारे ग्रीन किचन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज हम बनाने वाले हैं वेज बिरयानी ना प्रेशर कुकर। आप इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास, इसी ग्लास से हमने मसूरी राइस को मेजर किया है और भी हम इसी ग्लास से हम वाटर भी ले रहे हैं वेज बिरयानी में। इसके अवल जो आज का वीडियो था, इसी ग्लास से हमने पानी का मेजरमेंट लिया था। सो आज का वीडियो भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मीडियम फ्लेम रखकर हमने प्रेशर कुकर लिया है। सो हमने लिया है ऑयल 1/2 टी कप। अब हमने लिया है इलायची, दालचीनी, लौंग 2 पीसेस, आप देख सकते हैं यहाँ। अब हमने लिया है ऑनियन मीडियम साइज्ड 2, जो कि बारीक कटी हुई थी, आप देख सकते हैं। अब हमने लिया ग्रीन चिली 2, स्टिर कीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारी ऑनियन ब्राउन हो चुकी है। सो हम ऐड करने वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से कुक कीजिएगा ताकि उसकी स्मेल ना रहे। अब हम ले रहे हैं कोरिएंडर 1/2 कप, यानी कि धनिया पत्ता। अब हम ले रहे हैं पुदीना या मिंट लीव्स 1/2 कप, थोड़ा सा स्टिर कीजिए। आप देख सकते हैं अब हमने लिया है टोमेटोस 2, जो कि कट कर चुके थे हम, स्टिर कीजिए। अब हमने लिया है सॉल्ट 1.5 टेबलस्पून, स्टिर वेल। अब हमने लिया है चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, स्टिर कीजिए। सो वेजिटेबल्स हमने लिया है पोटैटोस 2, कैरेट 2। हमें बीन्स अवेलेबल नहीं थी, सो हमने इसका यूज किया है। आप जरूर से बीन्स ही यूज कीजिएगा। सो स्टिर वेल। हमने लिया है दही या कर्ड 1 टी कप, स्टिर वेल कीजिए। अब हमने लिया है ड्राई कोकोनट पेस्ट या खोपरे का पेस्ट 2 टेबलस्पून, स्टिर कीजिए। आप देख सकते हैं हमने उसी ग्लास से 4 ग्लासेस ऑफ वाटर ले रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा हाई फ्लेम रखिए। हाई फ्लेम रखने के बाद थोड़ा सा स्टिर कीजिए। एक बॉईल आने के बाद आप राइस इसमें डाल सकते हैं। अब हम ले रहे हैं मसूरी राइस, जो कि हमने उसी ग्लास से 2 ग्लासेस राइस लिया है और वाटर में 1/2 आवर तक सोक करने के बाद, थोड़ा सा वाटर स्ट्रेन आउट करने के बाद हम इस राइस को इस कुकर में ट्रांसफर कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ कुकर को क्लोज करके थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखकर 3 विजल्स आने तक रुकिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ मीडियम फ्लेम, 3 विजल्स आने के बाद हमारी बिरयानी या वेज बिरयानी पक चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ। सो सभी मसाले को थोड़ा सा मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं हमारी वेज बिरयानी अच्छे से पक के उतर चुकी है, देखिए आप यहाँ पे।
सो हमने इस पर थोड़ा सा फूड कलर लिया है, फूड कलर 1 टीस्पून लेने के बाद इस तरह हमारी बिरयानी दिखने लगेगी। हमने यहाँ पे बिरयानी में सर्व करने के लिए चटनी ले रहे हैं यहाँ पे। सो थोड़ा सा हाई फ्लेम रखकर 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर बीच में ग्रीन चिली को कट लगाकर 10 ग्रीन चिलीज ले लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ। अब हमने लिया है ऑनियन 1 मीडियम साइज। अब हमने लिया है टोमेटो 1 मीडियम साइज। थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा हमारी वेजीज जो है पक चुके हैं। दूसरी तरफ हमने लिया है जार और लिया है जिंजर 15 पीसेस और टैमरिन हमने लिया है छोटी नींबू या लेमन साइज जितना। अब हमने लिया है सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून। अब हमने लिया है कोरिएंडर और मिंट 2 मिलाकर 1/2 कप। सो फ्राई किया हुआ है वेजीज को हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्राइंड कीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद हमारी चटनी इस तरह दिखने लगेगी। आप देख सकते हैं। सो आप इस चटनी के साथ आपकी बिरयानी आपके घर में सर्व कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।